आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी के मामले में दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ नया रोज आता जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे स्मार्टफोन मोबाइल भी दिन ब दिन नए से नए और बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम बात करने जा रहे हैं 1G, 2G, 3G, 4G और उसके बाद में 5G। साल दर साल हमारे स्मार्टफोन और बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, उनमें ये 1G, 2G, 3G, 4G, 5G आ गए हैं। तो इस प्रकार से स्मार्टफोन में कुछ नई नई चीज़ें आती जा रही हैं हर साल, और हमारी लिए सुविधा को देखते हुए इसमें कुछ नया से नया आता जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज के कभी आपके दिमाग में आया है कि आप किस प्रकार, ये क्या है और 1G, 2G, 3G, ये 4G क्या है और क्या इसका मतलब है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और पूरी तरह से बताएंगे डिटेल में कि ये क्या होता है और कैसे आया और क्या होते हैं। तो मैं आपका दोस्त कुमार शर्मा और स्वागत है आपका टेक्निकल क्रैक में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, तो सबसे पहले बात कर लेते कि ये जी क्या होता है। 1G, 2G, 3G में जी ये क्या होता है? तो जी का मतलब होता है जेनरेशन, जमाना, यानी बोलते हैं ज़माना बदल गया। उसी प्रकार से हमारे जो स्मार्टफोन है वो भी बदल जाते हैं, एक नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई नई चीज़ें आ जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं हम G4 जेनरेशन। ज़माना बदल गया मतलब, तो जेनरेशन बदल गई। तो इस प्रकार से जेनरेशन बन गई, पहली जेनरेशन, दूसरी जेनरेशन, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस प्रकार से G4 जेनरेशन होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से आई, कहाँ से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च की गई थी 1G, जिसमें मोबाइल आए थे 1G के, फर्स्ट जनरेशन के। तो उन मोबाइलों में क्या होता था, बैटरी लाइफ काफ़ी ख़राब होती थी और उसके अलावा वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, कॉलिंग वॉल्यूम में इतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस था। उसके अलावा उनकी सिक्योरिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि आप सेफ कर सकें और उनको बचा सकें, तो इतने अच्छे नहीं चले, काफ़ी मार्केट में नहीं आ पाए। तो इस प्रकार से ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए और भारी भी हुआ करते थे, लाइट वेट नहीं थे। तो इस प्रकार से उनकी स्पीड काफ़ी कम थी, 2.4 kbps की स्पीड थी जो काफ़ी कम थी। लेकिन स्टार्टिंग के दौर में ये एक नई चीज़ थी जो मार्केट में आई थी। तो उसके बाद 1991 में 2G लॉन्च किया गया था। यह GSM पर बेस्ड था। तो इसमें क्या होता था कि जो वॉइस क्वालिटी थी वो ठीक ठाक हो गई, सिग्नल अच्छा काम करने लगा, लेकिन इसकी स्पीड 64 kbps थी और इसमें मेल कर सकते थे, कॉलिंग अच्छा था और इसमें ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। तो ये भी काफ़ी चलता था और अभी भी चल रहा है 2G, और ये ठीक ठाक था। फिनलैंड में लॉन्च किया गया था और उसमें SMS वगैरह भी भेजे जा सकती थी। उसके बाद हमारी अगली सर्विस आई थी 3G, जो 2000 में लॉन्च की गई थी। इसकी काफ़ी अच्छी स्पीड थी। तो 3G की तो आप जानते ही हैं, अभी भी चला रहे हैं बहुत से लोग 3G। इसकी स्पीड अच्छी थी, इसकी स्पीड 2 mbps तक थी जिसे हम यूज कर सकते थे, और ये काफ़ी अच्छी स्पीड थी और काफ़ी कंपनी दे रही हैं। तो काफ़ी दिनों तक हम चलाते रहे थे 3G, लेकिन अभी कुछ दिनों से रिलायंस जियो आ गया है, तो उसकी वजह से आजकल सभी के पास लगभग 4G का नेट आ गया है। तो 4G के नेट की स्पीड इतनी काफ़ी अच्छी है और 4G की हाईएस्ट स्पीड 100 mbps होती है, तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड है और हमारे इस्तेमाल में 8, 10, 12, 15, 16, 18 mb तक मिल जाती है स्पीड पर सेकंड के हिसाब से जियो में। तो जियो ने 4G लॉन्च किया था तो उस हिसाब से सारी कंपनियों ने अपने दाम घटा दिए थे, नहीं तो हम 4G खरीदने में काफ़ी महंगा पड़ता और ये आम इंसान के लिए अवेलेबल नहीं होता, जो मिडिल क्लास थे उनके लिए मिलता नहीं। लेकिन 4G जियो में आने के बाद ये सबके पास आ गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है और हमारे सबके पास इंटरनेट आ गया है, क्योंकि हमारे सब देशवासियों के पास इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी आजकल इंटरनेट से मिलती है और सब इंटरनेट से जुड़ गए हैं। तो अब बात आती है अगली जनरेशन कब लॉन्च होगी। अगली जनरेशन आएगी 5G, फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट स्पीड 1 gbps, हाँ दोस्तों 1 gb, 1 gb
पर सेकंड की स्पीड हाईएस्ट हुआ करेगी, जो अभी हमारे 2020 तक संभवतः लॉन्च हो जाएगी। तो काफ़ी कंपनी दावा कर रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग में शायद रिलायंस जियो ही 5G को लॉन्च करेगी, 2020 तक आ जाएगी। माना जा रहा है कि 1G 2G 3G 4G से ये काफ़ी बेहतर होगी और इससे काफ़ी गुना सैकड़ों गुना स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें हम काफ़ी सर्विस यूज कर सकते हैं, जैसे हैवी गेम हुए, एप्लीकेशन हुई, और उनसे काफ़ी डेटा ट्रांसफ़र, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करेंगी, जिससे हमें काफ़ी सफलतापूर्वक हमें कोई भी वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जिसे हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये थी 1G से 5G तक की जानकारी, जो मैंने रिसर्च करके थोड़ा देख करके आपको बता दी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, तो इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए, बता दीजिए ये क्या होता है। तो आज मैंने इसके बारे में बता दिया, तो ये जानकारी मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आसान भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में बताने की कोशिश की है सारी बातें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल रैकिंग क्रैकिंग और नई नई टेक्नोलॉजी और मोबाइल रिव्यू से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें और टेक्निकल क्रैक चैनल को देखते रहें, और आगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी दोस्तों के साथ कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप ज़्यादातर आप में से हमसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो, तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं की हो अभी, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए, आइए इंस्टाग्राम पर टेक्निकल क्रैक लिखने के बाद आप उस पर सर्च करेंगे तो टेक्निकल क्रैक नाम से पेज आएगा, हमारा आइकन देखिएगा, तो आप उस पर फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नई जानकारी देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।